गाइज़ वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ ब्लॉग के मतलब मिडल में मैं अपनी वीडियो जो है स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया था। तो गाइज़ इस टाइम मैं मतलब आपको थोड़ा सा मतलब सुबह का मैंने शेड्यूल बता दिया था और बीच में फिर मैं रेडी हुई थी और उसके बाद मैं मतलब लंच टाइम के मतलब 12 बजे के करीब मैं चली गई थी सिलाई सेंटर, क्योंकि मैंने आज से ही सिलाई सेंटर स्टार्ट किया हुआ है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत आ रही है, मुझे 2-3 चीज़ों में प्रॉब्लम होती है गले की फिनिशिंग में, और वो ज़्यादा मैंने सीखने हैं, तो इसलिए मैंने जो है सिलाई सेंटर जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो गाइज़ टाइम अब मेरा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, इसलिए मुझे अपना सारा काम जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है। और आते ही मैंने खाना खाया और रेस्ट नहीं किया और अपने मतलब खेतों में चली गई काम करने के लिए, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी मैं मतलब कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो गाइज़ देखिए मैं अपने खेतों में आ गई हूँ सफाई करने के लिए और घास निकालना जो है स्टार्ट कर दिया हुआ है मैंने। तो देखिए गाइज़ आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि आसपास कितनी घास हुई है। तो गाइज़ ये सारी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जब साफ़ सफाई होगी तभी सारा कुछ नीट एंड क्लीन रहेगा, तब हम आसानी से अपने खेतों में आ जा सकेंगे। तो मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी कम्प्लीट होगा। तो पिछले दिन भी मैंने आपको दिखाया था नीचे खेतों वाली सफाई करके, और आज मैं ऊपर की साइड चढ़ गई हूँ और आज ऊपर की मैं सफाई कर रही हूँ। तो गाइज़ थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी कम्प्लीट होगा, अदरवाइज़ आपको पता है कि घर का काम तो ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि अब मैं सिलाई सेंटर मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो मतलब काम का मैनेजमेंट मुझे बड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं घर में अकेली हूँ करने वाली। बच्चों का भी होता है, उन्होंने भी अपने अपने काम पे जाना होता है, सबसे हस्बैंड ने भी जाना होता है। तो मतलब खाने पीने का काम, कपड़ा लत्ता, सफाई, मतलब ये सारा काम बड़े अच्छे से मैनेज करके फिर मुझे घर से मतलब निकलना पड़ेगा और आके ही मुझे मतलब अपने फिर से मतलब काम के शेड्यूल पे हमें मुझे लगना पड़ेगा, तभी मैं हर चीज़ जो है अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊँगी। तो गाइस मैं आज थोड़ा सा एरिया मतलब रास्ता में साफ़ कर दूँगी। अब आ गई हूँ मैं अपने आंगन में और थोड़ा सा ऐसे ही राउंड लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पेड़ से एक कच्चा अमरूद निकाला है उसको खा रही हूँ। और इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे गुलाब के फूल, और अब आज मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, मतलब ये वाला काम भी मेरा आज निकल जाएगा। तो देखिए गाइस मैंने कटिंग करना जो है स्टार्ट कर दी है, क्योंकि गुलाब में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, बड़ी सावधानी से मुझे कटिंग इनकी करनी पड़ रही है। और अब इसके बाद गाइस इनाया भी पढ़ने के लिए आ जाएगी मेरे पास। देखिए इनाया भी आ गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो बैठी है पढ़ने के लिए और अपना मतलब लर्न कर रही है। मैंने इसको लर्न करने के लिए दिया हुआ चौकर आया
रोकर दिखलाया, जोकर आया जोकर आया, हंसता गाता जोकर आया। धन्यवाद जी। बाद में सुनो की तरह चाहिए, पहले और अगला निकाल दे। मैथ है? मैथ? हाँ, मैथ का नहीं, पहले लर्न करने का निकाल। सही, मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी गुलाब की, और गुलाब की नीचे सीधे ही मतलब जहाँ पे रूट्स होती हैं वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता जो है बड़े आराम से बैठा हुआ था। और मतलब ये तो शुक्र है मैंने इनकी तरफ ध्यान दे दिया, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो ये सारी मुझे काट खाती और मतलब मेरा तो बेहाल होने वाला। चलो अच्छा होगा, तुझे दिख रहा है। तेरे को ले रही हूँ मैं, बोलो कुछ है। ऐसे बोला। कैसे कैसे बोला? तो गाइस यहाँ पे मैंने गुलाब की कटिंग की थी, उनकी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी मैंने और इनको मैं उठा लेती हूँ। तो गाइस मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए बिस्तर पे लेट गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और पंखे के नीचे बैठ गई हूँ। तो मतलब काम करके आते तो गर्मी तो लगी जाती है, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अपना मतलब शाम के खाने की तैयारी। तो अभी सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँगी, तो अभी सोच ही रही हूँ मैं अभी, तो देखती हूँ वाला क्या बनाती हूँ। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो पता है। तो गाइस अब अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ मैं। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।